फाइनल स्क्रिप्ट। मैं ये देख के हैरान था कि वहाँ के एक बच्चे की आंख बिल्कुल नीली थी। मैंने ये गंगनाथ देव जी का मंदिर है। अच्छा, अगर आपने खाए हैं तो तुझे होना फेमस। ये डेली वाले बड़े गंदा खंदा वीडियो यार। तो भाई लोगों, अभी हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड के फेमस जो आर्टिस्ट हैं उनके घर पे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आप सोच रहे हो क्या किताब के पन्ने भर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, ये अपनी चल रही है स्क्रिप्ट राइटिंग। देखो, इतना कुछ लिखना पड़ता है, फटाफट लिख दिया मैंने। इतने स्क्रिप्ट लिख दिए, अभी जो है फाइनल स्क्रिप्ट है एक पेज की। इसको थोड़ा सा मैं वीडियोस को देख देख के एनालाइज करके यहाँ पे लिख दूँगा जो फाइनल स्क्रिप्ट होगी। तो दोस्तों, ये रहेगी अपनी फाइनल स्क्रिप्ट आज के शॉर्ट वीडियो के लिए। और साथ ही में शॉर्ट के साथ अपना शूट हो रहा है लॉन्ग वीडियो भी। तो मिलते हैं आपसे, इसको शूट करते हैं, फिर देखना आप शॉर्ट वीडियो कैसा लगेगा आपको। तो गाइज, अब आप देख रहे होंगे कि मैं इतना पसीने में क्यों भीगा हुआ हूँ। पंखा भी बंद है भाई, इसलिए भीगा हुआ हूँ क्योंकि भाई लोगों, अभी मैंने स्क्रिप्ट को जो है वॉइस ओवर कर दिया है। तो अभी वीडियोस को इंपोर्ट करके अपना जो शॉर्ट वाला कंटेंट है वो रेडी हो जाएगा दोस्तों, और उसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो एक शॉर्ट वाले कंटेंट को बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल वो रेडी हो गया और बाकी जो उसमें अभी वीडियोज़ को अपलोड करना बाकी है। तो दोस्तों, आप लोग एक बार जा करके जरूर चेक करना कि वो शॉर्ट वाला कंटेंट कैसा बन रहा है। अगर अच्छा बन रहा है तो कमेंट करके भी बता देना यहीं पर। तो अभी थोड़ा देर इसको करते हैं, इस काम को कंप्लीट, फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे। दोस्तों, मैं अपने उत्तराखंड से लद्दाख के सफर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित एक गांव तुरतुक के लिए निकला। तो उस स्क्रिप्ट से कुछ इस तरीके का कंटेंट बना है दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो जाकर के देखना मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में, और लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना वहीं पर जाकर। तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा मैंने स्क्रिप्ट बना दी और वीडियो भी डाल दिया है। अगर आपको अच्छा लगा शॉर्ट वाला वीडियो तो कमेंट करके बताना। और आज है भाई दसवीं, और दसवीं के दिन यहाँ पे हो रही है पूजा। तो इन्होंने मुझसे मंगाया एक और केला। ये गंगनाथ देव जी का मंदिर है। अच्छा, ये वाला गंगनाथ जी का मंदिर है। हाँ, और इनकी शक्तियाँ आप देखोगे तो अपार है। तो आज दसवीं के दिन इनकी पूजा की जाती है। हाँ, भोग में आपने क्या क्या बनाया हुआ है? भोग में बनाया है हलवा, बनाया ये प्रसाद, बनाया सूखा। अच्छा, और भाई यहाँ पे हमारा तिमूल का पेड़ है और इसमें लगे हैं तिमूल। अगर आपने खाए हैं तो कमेंट करके जरूर बताना भाई, और जिसने नहीं खाए तो भाई देख लो, कुछ इस तरीके का होता है फल। इसके अंदर जेली टाइप की होती है और ये मीठा होता है टेस्ट में। आपको खाना है? नहीं, आप खाओ, मैं खाऊं? भोग लगाए मंदिर में। अच्छा, आप मंदिर में भोग लगाने के बाद ही खाओगे। तो देख लो भाई, अपने उत्तराखंड के लोग कुछ इस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं और भोग जब लगता है उसके बाद ही खाना खाते हैं। अभी फ़िलहाल हम इस फल को खाते हैं, खा लेते हैं, मीठा होता है काफ़ी यार। काफ़ी मीठा है। और उधर भी एक मंदिर है, वहाँ पे भी पूजा हो रही है। तो हमारे घर में काफ़ी पूजाएं होती रहती हैं दोस्तों, आपको देखने को मिलेंगी। और इनके पीछे के रहस्य जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा जल्दी। फेमस किसको होना है? किसको होना है? तुझे होना है फेमस। और तुझे फेमस होके क्या करेगा? वीडियो बनाएंगे। पास तो आके बोल, क्या करेगा? वीडियो बनाएंगे। वीडियो बना के तो फेमस हो जाएगा। फेमस मतलब पता है तेरे को क्या होता है? ना। फेमस का मतलब होता है बहुत लोग तेरे को जानेंगे, पूरी दुनिया में सब जानेंगे तेरे को बेटे। फिर क्या होगा? बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं फेमस होने में। पैसों से क्या करेगा? हाँ, अबे तमाएगा थोड़ी। पैसे तो तेरे को मिल जाएंगे। हाँ। फिर क्या करेगा पैसों का? तू बता। घर बनाऊंगा। तू क्या करेगा जब बहुत सारे पैसे होंगे तेरे पास? घर बनाऊंगा। घर बन गया अब, फिर और पैसे हैं, बहुत सारे हैं भाई पैसे। बैठ नीचे बैठ, फिर बता। इधर पास में मेरे, जल्दी तू इधर बता भाई, तू क्या करेगा जब बहुत सारे पैसे होंगे तेरे पास? तो छत में घर बनाऊंगा। छत में घर बनाएगा? हाँ। मैं क्या करूंगा पता है? हाँ। मैं गाड़ी दूंगा बहुत बड़ी। क्या? बहुत बड़ी गाड़ी। मतलब गाड़ी, कार, उसमें मैं एक बेड भी लगाऊंगा। हाँ। किचन विचन सब होगा उसमें, मैं घूमूंगा मैं वो खूब सारा, और चार पांच लोगों को और घुमाऊंगा अपने साथ। जाना है इस घर में? हाँ। तेरे को भी चाहिए वैसा घर? हाँ। घूमने वाला? चलेगा तू मेरे साथ? हाँ। चल फिर चल ले। अब थोड़ी देर बाद चलते हैं। थोड़ी देर बाद? हाँ।
पक्का? तो भाई लोगों अभी क्या बोलते हैं, अपना जो है दसवीं का चल रहा था प्रोग्राम घर में, पूजा वूजा मंदिरों में, तो साथ में अभी एक भाई आ गया, वो मुझे किडनैप करके ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है ये भी पता नहीं। आ रहा भाई गौतम, कहाँ ले जा रहा है भाई? इतना घुमाऊंगा इतना घुमाऊंगा, पता नहीं होगा, सोची ना होगी। मैं तेरे लिए मेहनत कर रहा था, जितने भी आ रहे यहाँ से ऑनलाइन संसार में तेरा वो भेज के उसको आप सब्सक्राइब करके तब आ रहा हूँ। ऐसे तो ये भी नहीं कर रहे हैं लड़के, नहीं कर रहे हैं। अरे ये कहाँ करते हैं, ये तो देख नहीं, मेहनत में कर रहा हूँ यार, कैसी बातें कर रहा हूँ राधा यार। अरे इतने थोड़ी कर रहा है तू, और तूने देख, अरे ये दिखा दूंगा और साथ ही को तूने पागल हो गई तेरे, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, वो भी दिन मंगला रखे थे लोग डेली वाले, बता डेली वाले बड़ा गड़बड़े तो तुम्हारा देखो ये अच्छा, तुम्हारा ये है और मैं दिखाता हूँ, और देखो तुम ये तुम्हारा देखो, खुद फिर भी खुद भेजा पापा को भेज रहा है लड़का, लड़का लड़के को भेज रहे पापा। तो भाई कुछ अपने लोग हैं यार जो अपने करते रहते हैं साथ में प्रचार, तो आज हम भी आए भाई की दुकान में बहुत दिनों बाद। यार कितना खर्चा कर दिया भाई ने यार, बहुत तगड़ा। लाइटें भी नहीं लगाई हैं सारी, कैमरा ऑन है या नहीं है और ऊपर ऊपर क्या बना दिया तुमने, ऊपर क्या बना दिया ये ऊपर जूतों का रेड टेप कैसा दिख रहा है? अच्छा अच्छा और ये वाले जूते कैंपस कैंपस, और इसमें डिस्काउंट क्या है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए? हमारे लिए थोड़ी, हमारे जो सब्सक्राइबर्स देखेंगे स्पेशल डिस्काउंट और 5% देंगे हम। अच्छा एक्स्ट्रा 5% एक्स्ट्रा भाई देंगे। कैसी बातें कर रहा है यार तू, लेंगे तो चलो आओ देखते हैं भाई क्या क्या मिलता है। गौतम भाई विजिट क्यों नहीं कर रहे यार तुम? कर रहा हूँ भैया, आप यहीं से लेते हो कपड़े? जी जी। इससे पहले भी ले रखे आपने यहाँ से? नहीं फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आए हो? और आप? हम भी फर्स्ट टाइम। चलो ये तो फर्स्ट टाइम वाले हैं, फर्स्ट टाइम वालों से अभी रिव्यू नहीं ले सकते हम, कोई अगर ज्यादा टाइम वाला आएगा अभी एक काम करते हैं ना, थोड़ी देर यहीं बैठते हैं, देखते हैं कि कोई अगर आता है ना पुराना कस्टमर तो उससे पूछेंगे भाई कैसा है भाई का सामान, ठीक है? बुलाओ जल्दी, वो बताएंगे। पकड़ रहे हो अच्छा इनकी दुकान, ऊपर है राज भाई, शोरूम तो यहाँ थोड़ी है। अच्छा आइए आइए ऊपर आइए, चलो आओ। अरे ऊपर आओ ना, जल्दी आओ ना, आपको हिंद लंच एंड डिनर सब यही मिलेगा। और यहाँ पर अच्छा एक एक गद्दे का रिव्यू करो भाई, यहाँ पे काउच भी लगे हैं बढ़िया वाले काउच, ये कौन सा है? रिफ्रेश, सब रिफ्रेश के ब्रांडेड गद्दे हैं। अच्छा 10 साल गारंटी पे है? 10 साल। इसमें गारंटी किस चीज की होती है? इसमें दबने के। अच्छा मतलब फॉर्म जो है बैठेगा नहीं इसका? ये बेडरूम वाला है, बेडरूम वाला। ये आपके रिफ्रेश की पिल्लो। अच्छा और ये वाला गद्दा काफी मोटा लग रहा है, कितने इंच का होगा ये? 6 इंच। हाँ ये इसमें डबल डबल दिख रहा है। अच्छा ये एक्स्ट्रा लेयर है इसमें, ये कितने का है? ये वाला 30,000 का जोड़ा है। अच्छा इसमें स्प्रिंग है अंदर से, इसमें स्प्रिंग वाला और ऊपर से फोम लगा, फोम वाला है। अच्छा गर्म होगा ना काफी? बहुत ज्यादा। ये वाली फोम शीट्स अलग से मिलती हैं? ये भी लगा सकते हैं अपने घरों में, ये भी लगा सकते जिसको अगर ज्यादा सस्ता चाहिए जुगाड़ दो। एक गद्दा मेरे पास ऐसा है, ये हाँ ये गद्दा ऐसा है, ये रिफ्रेश का है देखो। अच्छा इस साइड से हाँ रिफ्रेश का है, 15 साल की गारंटी है इसको। अच्छा और ये गद्दा ऐसा है, इसको आप फोल्ड कर सकते हैं ऐसे। हाँ ये कुछ नहीं होगा, 15 साल की गारंटी है गद्दे की। हाँ ये बढ़िया, हल्की भी है, काफी लाइट वेट है, काफी लाइट है। ये वाली रजाई ले लेना इस बार गौतम, हाँ ये उसके कपड़े होंगे, सोफे के कपड़े हैं। और ये अच्छा ये भी रखा है आपने, ग्रास वाली मैट भी रखी है? ये ग्रास वाली मैट है। अच्छा इसमें भी अलग अलग आती है ना? हाँ ये जो अलग अलग रेंज, किसी में काला कम आता है ना तो वो किसी में छोटा आएगा, किसी में बड़ा आएगा इसका, और इसमें किसी में थोड़ा ब्राउन ब्राउन भी आते हैं। हाँ वो लंबे वो ये थोड़ा इसमें कम है तब चाहिए। तो ये दीवार में जैसे लगा रखे हैं। अच्छा दीवारों में भी लगा सकते हैं इसको और फ्लोर पे भी रख सकते हैं, बहुत सारे यूज हैं इसके।
पूरा 8 फीट कवर कर लेगा ये। ये सही चीज़ है, सबसे बढ़िया, इसको कहीं भी लगा लो। बट ये कि जहाँ अगर तुम्हें ज़्यादा ये लगाओगे तो वहाँ पे लाइट ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ जो होती है ना कलर एब्जॉर्ब, लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर अंधेरा भी ज़्यादा करता है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। और इसमें एक वॉलपेपर भी चल रहा है आजकल, वॉलपेपर भी चल रहा है, वो भी आने वाला है मेरे पास। अच्छा वॉलपेपर, हाँ ये काफी मोटी है तो। हाँ यार सीखने। तो भाई लोगों अभी हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड के फेमस जो आर्टिस्ट हैं उनके घर पे। तो भाई लोगों अभी हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड के फेमस जो आर्टिस्ट हैं उनके घर पे। गौतम के चैनल पे जो स्ट्राइक आई है ना उसको हटवाने, क्योंकि उन्होंने ही चैनल पे स्ट्राइक दी है, तो गौतम की गलती थी उसमें, इसने कुछ उनका वीडियो यूज़ कर लिया था। वो भी इसलिए यूज़ किया था क्योंकि इसकी मम्मी भी एक आर्टिस्ट है तो वो भी उस वीडियो में थी, तो इन्होंने बात की थी। बट उस टाइम पे जब उन्होंने स्ट्राइक दी थी उनको पता नहीं था कि इसका चैनल है किसका चैनल है, तो उन्होंने सबको ही दी, तो इसको भी दे दी। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं वहाँ मंगल सिंह जी, फेमस आर्टिस्ट जो है उत्तराखंड के, मंगल सिंह जी के घर। तो अभी चलते हैं वहाँ, अगर वो मिले तो आपकी मुलाकात करेंगे, अगर नहीं मिले तो फिर वापस आ जाएंगे यार। नमस्कार, क्या हाल है? आजकल पुताई कर रहे हो क्या? पुताई का काम चल रहा है। प्रणाम मामा जी, प्रणाम। ये बढ़िया कर दिया तुमने तो, मस्त कर दिया एकदम। लगी रही है ये लड़का बहुत परेशान था। और ये हैं अपने मंगल जी की बकरियां, गाय भैंस, धिनाली पानी सब ठीक ठाक ही होगा आजकल तो। तो अभी इनके राजमहल में हम लोग जा रहे हैं ऊपर, टाइल हाइल भी लगा दी अब तो बढ़िया करके। ये मुझसे कह रहा था वीडियो में देख घर कौन सा है कैसे करके वीडियो में देख जरा। मैंने कहा घर तो देखा है यार, वीडियो में क्या देखे हम, इसको पहाड़ी समझ में नहीं आती है। बस वो थोड़ा सा गलती है ना इसके संग भी, तो शराबी वाली कभी कभी देख लेते हैं। वैसे अगर तो इनकी वीडियो देखेगा तो तेरे को इनके एक्सप्रेशन देख के समझ जाएगा तेरे को, कोई ऐसा नहीं है कि तेरे को पहाड़ी समझ नहीं आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। मंगल दा भी लगे पड़े हैं पुताई करने में, खुद ही लगे हैं, पैसे बचा रहे हैं क्योंकि पैसे कम आ रहे हैं ना। पेंटिंग का ही काम करता था। अच्छा पहले पेंटिंग का काम करता था, ये तो करता था मैं पहले। अच्छा कई घर में मैं किया। अभी भी ठेका लोगे बताओ? अभी आप थोड़ा सा कमीशन मैं लूंगा बस। हेलो गाइस, मैं आजकल कमीशन वाला काम बहुत कर रहा हूं। देख लो भाई मेहनत कहां से, मतलब एक पेंटर से इन्होंने अभी यहां तक पहुंच, 1.5 लाख जनता, 1.5 लाख सबके सब्सक्राइबर हो चुके हैं इनके, और अभी और बढ़ने हैं। और जो भी हमारे लोग वीडियोस देख रहे हैं तो वो प्लीज अपना मंगल चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम टैग कर देंगे, और इनको और ऊंचाइयों पे पहुंचाइए, क्योंकि अपने उत्तराखंड के जो कलाकार हैं हास्य कलाकार बहुत कम हैं ऐसे जिनके अंदर ऐसी कला है। नहीं ये सबसे पुराने हैं उत्तराखंड, पुराने तो है। और बाकी आप लोगों ने जानते भी हैं, हम तो मतलब हमारे क्या होते हैं, 1.5 लाख लोग आपको जानते हैं, कोई पता चलता है सिर्फ 5,000 जानते हैं। ठीक है फिर चलते हैं अभी। हां ठीक है बेटा, मिलेंगे आपसे किसी दिन, आओ फिर बनाते हैं बढ़िया करके, रील हील सब बनाते हैं साथ में। तो भैया मंगल दाजू के घर से हम जा रहे हैं, इनका गेट भी बंद कर देते हैं यार, ये इंडियन स्टाइल पहाड़ी स्टाइल का गेट, कोई जानवर आना और घुस जाएगा ना, इसलिए ऐसा गेट बंद करना पड़ता है, क्योंकि इनका घर के यहीं पे जंगल है और ग्वाला भी यहीं पे। चल दिखा के लाते हैं तो। हाँ यहीं पे तो भूल गए थे हम, दिखाते हैं इनका घर के पास में ग्वाला भी है, नदी जंगल के पास है भी, आप नॉइस पॉल्यूशन तो कितने पास है आपको भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये वाला पार्ट आपको देखने मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो फिलहाल दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइज़।